बीसीसीआई ने कड़ा फैसला लेते हुए विराट कोहली को वनडे टीम की कप्तानी से हटा दिया। उनकी जगह धाकड़ बल्लेबाज रोहित शर्मा को कप्तान बनाया गया है। कोहली अपनी कप्तानी में टीम इंडिया को एक भी आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीता पाए। ऐसे में हम आपको बताएंगे टेस्ट क्रिकेट के वो तीन खिलाड़ी जो विराट कोहली का पत्ता गाड़ सकते हैं। नंबर एक, रोहित शर्मा। सफेद गेंद में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा टेस्ट टीम के कप्तान बनने के सबसे बड़े दावेदार हैं। रोहित अपनी धाकड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। उनके लंबे छक्के लगाने की कला से सभी अच्छी तरह से वाकिफ हैं। रोहित गेंदबाजी में बदलाव बहुत ही शानदार तरीके से करते हैं। फील्डिंग लगाने में भी वो माहिर कप्तान हैं। उनकी कप्तानी में ही मुंबई इंडियंस की टीम ने सबसे ज्यादा बार आईपीएल ट्रॉफी पर 5 बार कब्जा जमाया था। उनके पास अपार अनुभव है जिसका फायदा भारतीय टीम को मिल सकता है। नंबर दो, केएल राहुल। केएल राहुल ने पिछले कुछ सालों में टीम इंडिया में अपना एक अलग ही मुकाम बना लिया है। राहुल ने अपनी ताबड़तोड़ और आक्रामक बल्लेबाजी से भारतीय टीम को कई मैच जिताए हैं। राहुल ने आईपीएल में पंजाब किंग्स की कप्तानी की है। रोहित की गैर मौजूदगी में उन्हें साउथ अफ्रीका दौरे के लिए भारतीय टीम का टेस्ट उप कप्तान बनाया गया है। राहुल ने भारत के लिए 40 टेस्ट मैचों में 2000 से ज्यादा रन बनाए हैं। वो अभी युवा हैं और काफी दिनों तक टीम इंडिया की बल्लेबाजी कर सकते हैं। और नंबर तीन, ऋषभ पंत। भारत के स्टार युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत फिलहाल विकेटकीपर के तौर पर सिलेक्टर्स की पहली पसंद है। पंत अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। उनके एक हाथ से छक्के लगाने की कला से दर्शक बहुत ही ज्यादा रोमांचित होते हैं। पंत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार पारी खेली थी। आईपीएल में वो दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान हैं और अपनी कप्तानी में वो टीम को प्लेऑफ में ले गए थे। पंत अभी सिर्फ 24 साल के हैं, उनके पास कप्तानी के लिए निखरने का ज्यादा वक्त है। तो ये थे वो तीन खिलाड़ी जो विराट कोहली की जगह ले सकते हैं। तो आपको कौन सा खिलाड़ी इसका प्रबल दावेदार लगता है, अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइन स्पोर्ट्स के साथ।